हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर किरण मावई, योर केमिस्ट्री टीचर। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का नया चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लिए भी काफी इसकी वेटेज ज्यादा है और आपको बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है। कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ है, जो कि आपने अभी जो चैप्टर्स कवर किए हैं अपनी क्लासेस में, ठीक है, डीएनएफ हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, पॉलीमर, ये कंपैरेटिवली थोड़े इजी चैप्टर हैं, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा कंसेंट्रेट करने की जरूरत होगी। तो स्टार्ट करिए चैप्टर, तो मेरे साथ ध्यान से पढ़ना है, आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए इसमें दो वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोवर्ड देखते ही आपके मन में सबसे सिंपलेस्ट टर्म कौन सी आती है इलेक्ट्रोवर्ड देखते ही? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री वर्ड देखते ही सबसे पहले क्या याद आती है? केमिस्ट्री, यानी कि कौन सी चीज पढ़ते हैं आप इसमें? केमिकल रिएक्शंस। सो इलेक्ट्रोवर्ड देखते ही आपके मन में सबसे पहले स्ट्राइक किया इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री वर्ड देखते ही सबसे पहले क्या स्ट्राइक किया? केमिकल रिएक्शंस। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना, मान लो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दैट इज इसमें एनर्जी क्या है, रिलीज हो रही है, ओके, डेल एच नेगेटिव है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है? केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के इंटरक्शन को, रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि आप किसी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुई है, आप उसे कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू कैसे कोई हम केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती, ठीक है। तो आपके पास क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो कि अपने आप हो जाती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है, उनमें एनर्जी रिलीज हो रही है आपकी, डेलिश नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन में, तो आपने इसे क्या बोला? केमिकल एनर्जी। इस केमिकल एनर्जी को आप कुछ स्पेशल सेल्स होती है उनके थ्रू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू आप कोई केमिकल रिएक्शन क्या करा सकते हो, फैसिलिटेट करा सकते हो जो कि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती, क्लियर है। तो इस ब्रांच में हम इन दोनों के इंटर कन्वर्जन के बारे में ही पढ़ते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, उन टर्मिनोलॉजी को पहले क्लियर कर लेते हैं। सो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज 11th में ही पढ़ा है, हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ाई की है, ओके, रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार फटाफट से ना, एक मिनट का टाइम दे रही हूँ, सोचो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जल्दी से सोच के बताओ क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शंस, बताओ बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। देखो रिडॉक्स, रेड प्लस ऑक्स, दैट इज रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हों, उन्हें हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले एक बार ब्रीफ में मैं आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए हैं। तो कोई स्पीशीज है मान लो एन, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव निकल के चला गया, तो बचा कैसा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन में कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो मान लो आपके पास एक स्केल है, ठीक है, तो सेंटर में है जीरो, ये है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये आपके पास एक स्केल है, ठीक है। तो जब भी आप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कोई भी स्पीशीज है, सपोज आपके पास कॉपर है, कॉपर जीरो स्टेट में है, अगर कुछ भी स्टेट मेंशन नहीं है तो जीरो स्टेट होती है, जीरो से किस में चला गया, प्लस टू में,
कॉपर जीरो से प्लस टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, दैट इज इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे बोर्ड विजिबल है क्या, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, आपके पास सपोज कोई स्पीशीज है, मान लो कोई मेटल है, वो किस स्टेट में है, जीरो, जीरो से गया एम प्लस टू, दैट इज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सपोज इसका फर्दर एम प्लस टू से किस में कन्वर्ट हो गया, एम प्लस थ्री में। अब क्या हुआ है, देखो प्लस टू से और फर्दर प्लस की तरफ गया, दैट इज अगेन इसका क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर कोई स्पीशीज है, मान लो माइनस वन स्टेट से, माइनस वन स्टेट से किस में आ गई, जीरो में, माइनस वन टू जीरो पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज हुआ है, इसमें भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। माइनस वन से या माइनस टू से प्लस टू हो गया, सीधा यहां से यहां जंप कर गया, तो फिर भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जब माइनस वन से जीरो तक गया तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, माइनस वन टू जीरो कितने का लॉस हुआ, वन इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। जब माइनस टू टू प्लस टू गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, माइनस टू से देखो पहले माइनस वन गया, फिर जीरो गया, फिर प्लस वन गया, फिर प्लस टू, तो यहां तक उसको पहुंचना पड़ा। समझ में आया, तो दीज आर ऑल ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस। जब भी आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो तो आप उसे क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली हम पढ़ेंगे रिडक्शन के बारे में, रिडक्शन इसका अपोजिट है। रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस, अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो उसका हो जाता है रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज यू हैव अ स्पीशीज एम प्लस टू, एम प्लस टू से एम जीरो में चला गया, यानी कि कॉपर प्लस टू है, कॉपर प्लस टू से क्या हो गया, कॉपर जीरो, खाली कॉपर लिखते हैं, ओनली कॉपर मतलब जीरो ही होता है, तो प्लस टू से जीरो, यानी कि प्लस टू से जीरो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। नेगेटिव की तरफ क्यों जाता है, बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, तो उस पर भी कैसे रहेगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका ऑलरेडी दो पॉजिटिव चार्ज थे, दो इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल होकर जीरो हो गया। ओके, अगर कोई स्पीशीज सपोज आपके पास है एम जीरो, मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एम माइनस टू हो गया, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। सो आपको आई होप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये इसके लिए याद रख लेना, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडेशन, नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो रिडक्शन, ये हमारे प्रोसेस है। अब रिडॉक्स का कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक ही टाइम पे दोनों प्रोसेसेस हो रहे थे। देखो मैं आपको डिटेल में ना अभी जस्ट ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसके बाद में कंडक्टर्स वगैरह पढ़ाऊंगी, लेकिन जब हम सेल्स पढ़ेंगे तो मैं इसे रिपीट करूंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोबारा से भी आपको, एजेंट्स के बारे में बताएंगे। देखिए आपके पास एक रिएक्शन है, सपोज Zn प्लस Cu प्लस टू गिव्स Zn प्लस टू प्लस Cu, ये केमिकल इक्वेशन है आपके पास, ये बहुत बार देखने को मिलेगी आपको इसी चैप्टर में आगे। तो स्टार्ट करते हैं, Zn क्या है, जीरो, कुछ मेंशन नहीं है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर इज इन प्लस टू, जिंक इज इन प्लस टू, कॉपर के ऊपर कुछ मेंशन नहीं है तो आपने क्या मान लिया, जीरो। सो इनिशियली जिंक था जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, फाइनली रिएक्शन के बाद वो Zn प्लस टू में कन्वर्ट हो गया, दैट इज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। कॉपर इज इन प्लस टू स्टेट, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके प्लस टू से जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस टू से जीरो लेफ्ट साइड जा रहा है, दैट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर का क्या हो गया है, रिडक्शन हुआ। अब एक चीज ध्यान से समझना, एजेंट पढ़े आपने, एजेंट्स है ना, एजेंट जैसे कि आपने सपोज सुना होगा इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना, लाइसेंस वाले होते हैं जो, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं, तो वो एजेंट क्या कराते हैं, अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है तो इंश्योरेंस कराएगा। ओके, कोई स्पाइंग एजेंट है, स्पाई है जो आपने 007 वाला सुना, जेम्स बॉन्ड वाला, तो कोई ऐसे एजेंट है वो क्या करते हैं, स्पाइंग का काम करते हैं, यानी कि आपको पता है स्पाई क्या होता है, ठीक है, तो कोई एजेंट जो उसका नाम होता है वही काम करता है। सो हमारे पास दो एजेंट्स आएंगे रिडॉक्स के लिए, एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होगा
रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें डिफरेंस क्या है? तो एक बार ध्यान रखना, एजेंट जो होता है उसके नाम के आगे जो है वही वही काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराता है। क्या कराता है? ऑक्सीडेशन कराता है दूसरों का। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराता है? दूसरों का रिडक्शन कराता है। जैसे कि एलआईसी एजेंट दूसरों का लाइफ इंश्योरेंस कराता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा। और खुद क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का कराएगा ऑक्सीडेशन और खुद हो गया रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का कराएगा रिडक्शन एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। अब हम यहां पहचानते क्या हुआ? देखो, इस रिएक्शन में जिंक ने क्या किया, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, जिंक जिंक से जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो गया, तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, कॉपर प्रेजेंट है कॉपर प्लस टू में, वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सी में। तो अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सो Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। इस तरह से रिएक्शन हुई। तो देखिए, जब फर्स्ट रिएक्शन में जिंक ने जिंक प्लस 2 बनाया और दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसका खुद का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन जो इसके दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उसका यूज किया कॉपर ने, और खुद कॉपर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये जो कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, ये कहां से मिले हैं? जिंक के ऑक्सीडेशन से। अगर जिंक ऑक्सीडाइज नहीं होता तो क्या कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स मिलते? नहीं मिलते। तो क्या हुआ, जिंक का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, बट इसके इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया कॉपर ने अपने रिडक्शन में। तो इनडायरेक्टली जिंक ने ही कॉपर का रिडक्शन कराया। तो जिंक एजेंट कैसा हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। सिमिलरली कॉपर प्लस टू ने दो इलेक्ट्रॉन का, अगर हम इसे अपोजिट वे में बोले कि कॉपर प्लस टू ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हुआ, बट ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इसने जिंक से मांगे थे, जिंक से लिए थे। जब जिंक ने ऐसे किया तो उसका खुद का हो गया ऑक्सीडेशन, तो इसने दूसरे का ऑक्सीडेशन कराया, तो ये कैसा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज ये दूसरी स्पीशीज का अपोजिट करा रहे होते हैं। सो जिंक इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, सो क्या करा रहा है? ये कॉपर का रिडक्शन करा रहा है, तो ये कैसा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, सो कॉपर कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर दूंगी मैं आपको, पर अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो था आपकी प्रीवियस क्लास का थोड़ा इंट्रो, मैंने इसमें ले लिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको स्पीशीज समझने में। लेकिन अभी हम ज्यादा सेल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर की बेसिक्स क्या है? कंडक्टर वर्ड सुना है बेटा आपने? कंडक्टर, कंडक्टर्स सुना है आपने? कंडक्टर्स क्या होता है ना, सुना होगा। कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। दो सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, आप उन सब्सटेंसेस को बोलते हो कंडक्टर्स। जैसे कि कॉपर वायर जो आपकी फिटिंग हो रही है ना घर के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी फिटिंग्स हैं उसमें सब क्या है? कॉपर यूज हो रहा है, जनरली कॉपर वायर है, तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, तो ये सब आप कंडक्टर के फॉर्म में यूज कर लेते हो। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होंगे, देयर आर सम सब्सटेंसेस, सबके बहुत सारे होते हैं, विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। आप उन सब्सटेंसेस को क्या बोलोगे?
नॉन कंडक्टर्स, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं किया, कंडक्ट नहीं कर पा रहे, और इंसुलेटर्स, क्या बोलते हो आप इन्हें, इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। बताइए क्या क्या इंसुलेटर्स होते हैं। देखो जो आपके घर, आपके घरों में या जो फिर हमारी मेन लाइन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें क्या होती है, कोटिंग होती है ना, प्लास्टिक की कोटिंग होती है, रबड़ कोटिंग। यानी कि रबड़ क्या है आपका, इंसुलेटर है, तभी तो हम लोग सेफ है। नहीं तो अगर ऐसे ओपन वायर्स होती तो किसी भी करंट लग सकता था, है ना। प्लास्टिक जो है आपकी इंसुलेटर है, प्लास्टिक से नहीं हो सकता। और वुड आपकी जो है वो भी इंसुलेटर है। तो ये सब सब्सटेंसेस कैसे इंसुलेटर्स है, ये करंट कंडक्ट नहीं कर सकते। कुछ सब्सटेंसेस कैसे है, कंडक्ट कर सकते हैं, उनको आप कंडक्टर्स बोलते हो, अदर्स आर नॉन कंडक्टर। अब हम कंडक्टर की ही दो फर्दर स्पीशीज पढ़ने वाले हैं, दो फर्दर टाइप पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स। देखिए कंडक्टर्स आपके एक होते हैं मेटलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेटलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, याद कैसे करोगे, आप बोलते हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना है ना, तो यानी कि जनरली आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सामान को इलेक्ट्रॉनिक का सामान बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जा रहे हैं, तो मेटलिक कंडक्टर को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हो। सेकेंड जो टाइप है वो है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, तो आप क्या करो वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लो, इनको मैं डिफरेंस की फॉर्म में ही पढ़ाऊंगी। ओके, सो मेटलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। देखिए मेटलिक कंडक्टर्स यानी कि जो आपके जनरली आप अपने लाइफ में जो अब तक कंडक्टर्स आपने देखे होंगे, है ना, ये जो वायर्स हैं जितने भी हैं ये सब क्या है, मेटलिक कंडक्टर में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेटल होता है, जनरली कॉपर यूज करते हैं हम, तो मेटलिक कंडक्टर यानी कि ये वायर है, मान लो ये एक वायर है, मैं थोड़ा सा इसे ठीक बना देती हूँ, किसका बना है, सपोज कॉपर है, तो कॉपर के एटम्स होंगे, ये सब कॉपर के एटम्स है, तो ये क्या करते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। सो मेटलिक कंडक्टर्स में जो कंडक्शन होगा या जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो किसकी किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, देयर आर सम सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फेज। मैं स्पेसिफिकली यहां एक्वस सोल्यूशन लिख रही हूं, और इन एक्वस सोल्यूशन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल स्टेट में तो नहीं लेकिन अपने मोल्टन मतलब मेल्ट हो जाता है, जब वो बिगली हुई फॉर्म होती है, मोल्टन स्टेट या एक्वस सोल्यूशन यानी जब उनका वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाया जाता है, उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, उस सब्सटेंसेस को आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हो आपने, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हो। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो सब्सटेंसेस जो अपनी मोल्टन स्टेट या एक्वस सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, एसिड, बेस, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। सपोज आपके पास सॉल्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl, यू हैव NaCl, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के रिएक्शन से बना NaCl विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो NaCl, जब भी आप इस NaCl को या तो मेल्ट करोगे मोल्टन स्टेट में लेके आओगे या इसका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करोगे तो ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाता है. कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस एंड Cl माइनस. क्या है ये Na प्लस एंड Cl माइनस? आयंस है. आयंस, दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन. आयंस मीन्स चार्ज स्पीशीज है. आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पीशीज. तो ये चार्ज स्पीशीज फॉर्म हो गई. अगर ये चार्ज स्पीशीज फ्लो करेगी तो इनके फ्लो से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी या करंट फ्लो करेगा. सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कौन फ्लो कर रहा है? मूवमेंट किसका हो रहा है? आयंस का मूवमेंट हो रहा है. सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में चार्ज करियर क्या होंगे आपके? आयंस होंगे. करंट करियर क्या है आपके? आयंस हैं. इस केस में कौन किसका मूवमेंट था? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था. इस केस में आयंस का फ्लो हो रहा है. तो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया. मेटलिक कंडक्टर्स क्या है? आपके सिंपल सॉलिड मेटल्स है जो कि कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, ये आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कुछ सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं जो मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में करंट फ्लो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्ट, एसिड, बेस. सब अपने एग्जांपल लिया सॉल्ट का NaCl. When you put this NaCl in molten state or in aqueous solution, it will dissociate into its ion Na plus and Cl minus ions. So these are ions, these are charge carriers. So इनकी वजह से flow हो सकता है electron charge का. So first difference समझ में आया? Flow of electrons, flow of ions. अभी बताओ, जब ions flow कर रहे हैं, ions कौन से आयन? Na plus, Na plus, Na plus क्या? Sodium एक metal है. Sodium का एक atom होगा. जिसमें एक न्यूक्लियस है, जिसके पास शेल्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. अब उसमें से आपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो आपके पास Na प्लस बन गया, है ना. लेकिन है तो मैटर ही ना ये, उसका मास भी है, उसने कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है तो सोडियम आयन मेटल ही मैटर. मैटर मेटल ही मैटर. सिमिलरली क्लोराइड आयन भी मैटर है. तो हम इंडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में मैटर का फ्लो होता है. दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ मैटर. आयंस क्या है? मैटर ही तो है. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है? देखो, आपका एक एटम था जिसमें क्या है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, बीच में न्यूक्लियस है. आपने क्या किया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया. अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसका नेगलिजिबल मास है और चार्ज है. आपका बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो एज सच पड़ा हुआ, वो मूव नहीं कर रहा. दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. द कंडक्शन इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. इसमें मैटर मूव नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव किए. तो क्या इनमें फ्लो ऑफ मैटर होगा? नो, कोई फ्लो ऑफ मैटर नहीं किया. सो मेटलिक कंडक्टर्स में पहला पॉइंट समझ में आया, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. While in case of electrolytic conductors, flow of ions is responsible for the charge or current. और इसमें flow of matter होता है, इसमें flow of matter नहीं होता. इसे pause करके note down कर लो बेटा video को, ठीक है. अब एक चीज और बताइए, initially जो आपने sodium chloride लिया तो सोडियम क्लोराइड यहां तक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा. जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड लिया NaCl, तो क्या NaCl एज सच फ्लो कर रहा था करंट NaCl में से? नो. NaCl में से कब फ्लो किया? जब Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि डिसोसिएट हो गया. तो क्या ओरिजिनल कंपाउंड बचा आपका करंट के कंडक्शन के लिए? नो. ओरिजिनल कंपाउंड का क्या हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया. सब्सटेंस आपका डिकम्पोज हो गया ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो बेचारा फ्लो कर पा रहा है लेकिन खुद टूट गया, डिकम्पोज हो गया. लेकिन कभी आपने सुना है कि जो आपका मेटल है, ये जो मेटल की वायर जा रही है, ये डिकम्पोज हो गई है? कॉपर डिकम्पोज हो गया, कुछ नया चीज बन गया, ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना ना. तो मेटलिक कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? बहुत इजी चैप्टर चल रहा है अभी तो, ये तो मेन स्टार्ट होगा बेटा, इसे लिख लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसे पढ़ोगे तो इससे नेक्स्ट वाला ग्राफ समझ में आ जाएगा। इतना तो पता, राइट साइड पे इलेक्ट्रोलिटिक है, लेफ्ट पे मेटलिक लिख रखा है। देखिए इस केस में आपका क्या है, एक वायर है ना, मैंने वायर का ऊपर का पोर्शन लिया है, यानी कि कॉपर वायर है। कॉपर वायर में क्या होगा, एटम्स होंगे, कॉपर एटम्स, ये सारे के सारे क्या है, कॉपर एटम्स है, जिसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया, सबने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकल के गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियस के अलावा एक और चार्ज पॉजिटिव आ गया, न्यूक्लियस तो है। तो अब इन स्पीशीज को आप क्या बोलोगे, कर्नल्स बोलोगे। रिपीट कर रही हूं, देखो एक ये है आपके पास, ये एटम होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, बाकी शेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। मैं नंबर भी देख रही हूँ 284 वाला, जस्ट ऐसे रैंडमली फिल कर रही हूं। तो जब करंट फ्लो होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल के भाग जाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, चला गया, तो बाकी जो एटम बचा उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आप इसे बोलते हो कर्नल्स बोलते हो। ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बच गई आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें आप कर्नल बोलते हो। ओके, तो एक वर्ड फोर्थ पॉइंट है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लो मैं यहां वॉक कर रही हूं, आप वॉक कर रहे हो, तो अगर मेरे चलने में कोई रुकावट पैदा करे, ठीक है, मेरे चलने में कोई रुकावट पैदा करे, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, तो आप उसे बोलते हो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, बाकी से डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी, ऑब्स्ट्रक्शन, सुंदर सा लिख देते हैं, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में रुकावट जो भी पैदा हो, या करंट बोल सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, उसे आप बोलते हो रेजिस्टेंस। तो आपको पता हर मेटल का, हर सब्सटेंस का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, तो मेटलिक कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगा, ये जो आपके कर्नल्स है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बच गई है आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, इनके रास्ते में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रास्ते में, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है। सो इन मेटलिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इज ड्यू टू पॉजिटिव करंट्स। ओके, बट इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इसमें भी होगा, लेकिन इसमें करंट्स नहीं होते। देखो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये आयंस है, क्या है, ये आयंस है। इसे ऐसे इमेजिन करो कि क्लासरूम है आपका, क्लासरूम में ना स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या है, आयंस है। ओके, अब स्टूडेंट्स को फ्लो करना है, चलना है, और उनकी फ्लो करने से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो इन आयंस को क्या करना है, मूव करना है, इनकी मूवमेंट की वजह से ही करंट फ्लो होगा। लेकिन सपोज स्टूडेंट्स है, पूरा बंच है स्टूडेंट का, उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, लेकिन वो आपस में धीरे धीरे चल रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हुए चल रहे हैं, तो क्या प्रॉपर फ्लो कर पाएगी। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आपस में बातें कर रहे हैं, यानी कि ये जो आयंस है इनमें आपस में ही इंटरेक्शन हो गया, तो आप इस इंटरेक्शन क्या बोलोगे, इंटर, इंटर मतलब इन बिटवीन, किसके बिटवीन में, आयंस, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, आयंस प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएंगे, और आयंस ही फ्लो नहीं करेंगे तो क्या करंट फ्लो होगा, नो। यानी कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयनिक इंटरेक्शन, इसे ट्रिपल आई लिख दूं मैं, ठीक है।
ठीक है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन। दूसरा और किसकी वजह से हो सकता है, अगर सॉल्यूशन बहुत विस्कस है, विस्कस समझ लो ठीक है, जिसमें मूवमेंट इजिली हो सकती है, जैसे ग्लिसरीन देखिए आपने अपने घर में, ग्लिसरीन होती है बहुत थिक होती है, तो ग्लिसरीन को आप फ्लो करो इजिली नहीं फ्लो होती, वहीं आपने वाटर लिया तो आप उसे ऐसे डाल के देखा, वाटर गिरा के देखो इजिली गिर जाता है, ग्लिसरीन को एक दो ड्रॉप ऐसे गिरा के देखना थिक होती है इजिली नहीं गिरती। इसका मतलब कुछ सॉल्यूशंस अगर विस्कस है, अगर सॉल्वेंट कैसा है विस्कस, विस्कस सॉल्यूशन में आयंस अच्छे से मूव नहीं कर पाते, तो आयंस की मूवमेंट में भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, हर्डल्स होगी, तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है विस्कोसिटी। तो हमारे पास रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में किसकी वजह से हुआ, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस की वजह से एंड ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट एटम्स या मॉलिक्यूल। समझ में आया, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए, रेजिस्टेंस इसकी वजह से ड्यू टू पॉजिटिव कर्नल्स, इनकी वजह से रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयनिक इंटरेक्शन एंड विस्कस नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का रोल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको ये अभी तक समझ में आया है जो पढ़ा रही हूं मैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर ये पॉइंट समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेटलिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट हुआ, मेटलिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट हुआ। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो मेटलिक कंडक्टर की कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टेंस ऑफ मेटलिक कंडक्टर्स डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होती है, देखो ये जो पॉजिटिव कर्नल्स थे ना ये टेम्परेचर बढ़ाने से अपनी पोजिशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं। देखो आपने गेम खेलते हैं ना, गेम पहले तुम्हें देखो तो दिखाई दे रहा है, यहां तक कि नहीं दिखाई दे रहा है, मान लो आपको गेम खेलते हो तो उसमें जो एक कार्टून होता है, एक एक कार्टून है सुंदर सा, इसे ना इस पॉइंट तक जाना है, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं ना, एक वो सब गेम खेलते हैं, मुझे नाम याद नहीं है इसका, तो सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें इस पॉइंट तक पहुंचना है। अब बीच में क्या है, कर्नल्स है, टेम्परेचर बढ़ाते ही वाइब्रेट करने लगे ऐसे ऐसे, ये भी वाइब्रेट करने लगे ऐसे ऐसे इस टाइप से, पॉजिटिव कर्नल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते ही वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन पहले था सिंपल फ्लो कर रहा था, अब उसे इस टाइप से फ्लो होगा, यानी कि उसके फ्लो में रुकावट पैदा हुई, क्यों, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव कर्नल, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव कर्नल्स। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया कर्नल्स के अंदर वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि इनडायरेक्टली क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज यानी कि कंडक्टेंस डिक्रीज। सो इन दिस वे यू कैन से दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टेंस ऑफ मेटलिक कंडक्टर्स डिक्रीजेस। सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की इलेक्ट्रोलिटिक के केस में क्या इफेक्ट होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ध्यान से देखो ये दोनों पहले आयंस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें करते हुए धीरे धीरे चल रहे थे, ओके। तो अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इनके बीच में इंटरेक्शंस क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, तो इनका इंटरेक्शन क्या हो गया, यानी कि जो ट्रिपल आई है वो डिक्रीज हो गया और आपका कह सकते हैं कि कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। So on increasing temperature, the conductance of electrolytic conductors increases. इसे नोट डाउन करो बेटा पहले यहां तक लिख लिया बेटा आपने, चलिए तो ये आपका डिफरेंस फिनिश हो गया है किस किस का, मेटलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इस चैप्टर में मेन हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ते हैं, जिसे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट्स बोला है, ओके। तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
which conduct electricity in molten state or in aqueous solution. या तो अपनी molten state में या फिर aqueous state में ये substances current को conduct करते हैं. आप उन्हें बोलते हो electrolytic conductors और electrolytes बोल देते हो. Example क्या बताए थे मैंने, जल्दी बताओ. Examples क्या क्या है बेटा एग्जाम्पल्स, वो बिल्कुल जल्दी से. गुड गुड, वेरी गुड. सॉल्ट, एसिड, बेस, है ना. ये सब क्या थे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के. अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स के फर्दर टू टाइप्स के हो सकते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या था, अपने मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में करंट फ्लो कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे. देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, पहले देखो एक बार समझ लो. आपने NaCl का एग्जांपल लिया तो कैसे ब्रेक हुए, Na प्लस Cl माइनस. कब ब्रेक हुआ, अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में. तो अगर यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आपने सॉलिड NaCl लिया, दैट इज सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट लिया, क्या सॉलिड स्टेट में भी वो करंट फ्लो करेगा. बोलो आंसर, सोचो क्या होगा. नो, सॉलिड स्टेट में क्या ये आयंस में ब्रेक होगा, नहीं होगा. तो जब आयंस में ही ब्रेक नहीं होगा तो क्या करंट फ्लो हो सकता है. नो, सो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस. ये आयंस कब होते हैं, केवल मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, तभी ये बार बार मेंशन किया है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं थी ना, सीधा लिख सकते थे. सो NaCl ऐसे ब्रेक हुआ. तो इलेक्ट्रोलाइट की एक प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गई कि करंट तो फ्लो करेंगे, लेकिन कब फ्लो करेंगे, जब ये ऐसे डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आयंस में. तो इनके डिसोसिएशन के बेसिस पे ही हमने टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मेंशन किया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस, जो कंप्लीटली ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन हो जाए, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन हो जाए, हालांकि थोड़ा कम होता है 99.2 जो भी होता है, बट हम मान के चले कि 100% डिसोसिएट हो गया किसमें, अपने आयंस में. उन इलेक्ट्रोलाइट्स को आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एग्जाम्पल आपने लिया NaCl, तो कैसे ब्रेक हो गया, Na प्लस Cl. मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए NaCl के, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स Na और Cl में कन्वर्ट हो गए हैं. ओके, तो इसका मतलब 100% क्या है, ऑलमोस्ट आपका डिसोसिएशन है. इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, ये सब है. जैसे कि NaCl और BaCl2, BaSO4, ये सब क्या सॉल्ट है. सॉल्ट हमेशा कंप्लीटली ब्रेक होंगे. स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. इनके अपोजिट होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो, विच कैन नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस इन सॉल्यूशन, जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो सकते. एग्जांपल्स क्या होंगे इनके, वीक एसिड, वीक बेस. फॉर एग्जांपल आपके पास है एसिडिक एसिड CH3COOH, ये कैसा है. देखो जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COO- प्लस H+, एसिडिक एसिड एसिडेट आयन में और H+ आयन में ब्रेक हो जाता है, है ना. लेकिन ये कंप्लीट ब्रेकेज नहीं है, इसीलिए हम यहाँ कंप्लीट एरो नहीं बनाते, इक्विलिब्रियम का साइन बनाते हैं कि इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम है. अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और डिसोसिएटेड आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम है, इसका कुछ पोर्शन ही डिसोसिएट हो गया. मान लो आपने 100 लिए तो हो सकता है केवल 20 ही कन्वर्ट हो पाए हैं,
बाकी डिसोसिएट नहीं हुए, तो आप इनको 100% तो मानेंगे नहीं। तो वी की इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जिसका कुछ पोर्शन जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो, कुछ परसेंट ही डिसोसिएट हो। तो इनके लिए हम डिसोसिएट कितने हुए हैं उसको पता करने के लिए हम एक टर्म लेते हैं अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर आपने 20% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब टोटल 20% मॉलिक्यूल्स आपके डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। अगर आपका 10% डिसोसिएशन है तो 10% मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए। कि आपने अगर 100 लिए तो 100 में से 10 डिसोसिएट हो गए, 90 डिसोसिएट नहीं हुए। तो 10/100 क्या आ गया आपका यहां से 10%। तो ये निकालते कैसे हैं, ये आप अपनी प्रीवियस इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। आगे भी हम पढ़ेंगे डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। तो ये है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक बेस जैसे कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब है आपके। अब आज के लेक्चर का एक और टॉपिक हम पढ़ लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो पावर है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला फैक्टर पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है ना बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर कैसा है। देखो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि भी पढ़ाया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ क्या होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो इतना तो समझ में आया कि आयंस फ्लो करेंगे तो कंडक्शन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जितने ज्यादा आयंस उतने ज्यादा कंडक्टिविटी। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कैसा हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। तो मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए स्ट्रॉन्ग के, 100 मॉलिक्यूल्स लिए वीक के, 100 में से 100 के कन्वर्ट होके आयंस बना दिए, है ना, 100 Na प्लस 100 HCl माइनस। वीक इलेक्ट्रोलाइट का केवल 10% ही कन्वर्ट हो पाया, यानी कि 100 में से केवल 10 मॉलिक्यूल से डिसोसिएट हुए। तो आयंस किसमें ज्यादा बने, स्ट्रॉन्ग में। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वीक। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने पता चल गया है कि स्ट्रॉन्ग का ज्यादा होता है वीक का। अब मान लो दो है आपके पास, दूसरा है साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन ऑफ आयंस। मान लो आपके पास आयंस बने और दो आयन है, एक आयन बहुत बड़ा है एक छोटा है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो बड़ा है वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, हेल्दी लोग ज्यादा अच्छे से रन नहीं कर सकते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एवरीवेयर। सो अगर आपके पास हेल्दी आयन है, यानी कि बड़ा साइज है, साइज ऑफ आयन कैसा है बड़ा, एक छोटा साइज है आयन का, तो जो स्मॉलर आयन है वो फास्ट मूव करेगा एज कम्पेयर टू द लार्जर वन। सो आपको पता चल गया साइज में क्या है, कि अगर साइज लार्जर है तो मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मोबिलिटी क्या हो जाएगी स्लो, यानी कि धीरे धीरे फ्लो कर पाएंगे, और कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। और ये किस बात पे डिपेंड करता है, सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है। मान लो ये आपके पास दो आयन्स है, अब एक आयन क्या कर रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस आयन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच हुए, इस आयन से भी कम हुए हैं बट कम अटैच हुए हैं। ये आयन ए है, ये आयन बी है, ये वाला बीच का आयन है, ये जो सर्कल्स है ना हॉलो सर्कल्स, ये सॉल्वेंट। So, दो आयन से हमारे पास, एक आयन ने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बहुत अट्रैक्ट किया और उसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एक लेयर बन गई है, तो अब जो ओवरऑल साइज हुआ वो इतना हुआ। दूसरा मॉलिक्यूल है, आयन है, इसके ऊपर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की लेयर है बट कम है, तो ओवरऑल साइज हुआ ये,
तो सॉल्वेटेड आयन का साइज इसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये कम मूव करेगा और कंडक्टेंस इसके ज्यादा होगी। समझ में आया साइज का इफेक्ट, समझ में आया? सो नेक्स्ट इफेक्ट है आपके पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था जब डिफरेंस करा रही थी मैं आपको बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट विस्कस है, अगर सॉल्वेंट विस्कस ज्यादा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ आयंस में क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। विस्कस में देखो ठीक है तो आयंस ना इजिली नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास टेम्परेचर का, ये भी आपको समझ में आ गया था कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि ये आयंस हैं, इन्हें मूव करना है, लेकिन ये आपस में बातों में लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं मतलब ट्रिपल आई कर रहे हैं, यानी कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो अभी आयंस फ्री हो गए, अभी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाता है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सो कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब लास्ट पॉइंट जो है कंसेंट्रेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना आपसे। कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखो आपके पास दो सॉल्यूशन है, ध्यान से समझ लग से बहुत, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है और दूसरा कैसा सॉल्यूशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। दोनों को ही क्या करना है, कंडक्ट करना है करंट, दोनों हमने इक्वल अमाउंट पे ले लिए, आपको पता है स्ट्रॉन्ग तो पूरा डिसोल्व डिसोसिएट हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे आयंस हैं, बहुत सारे आयंस, ये सब मैंने आयंस ड्रॉ किए, तो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन है इसकी सी। अब मैंने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में ना सॉल्वेंट और ऐड कर दिया, मानो सॉल्वेंट पानी है तो मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो पहले सॉल्यूशन इतना था, अब सॉल्यूशन हो गया इतना बड़ा, अब ये आयंस पूरे में डिस्पर्स हो जाएंगे। तो जब सॉल्यूशन था कंसेंट्रेटेड, यानी कि इतने से स्पेस में ही ये सारे आयंस आए हुए थे, ध्यान से समझना। अब इन दोनों में ये सारे स्टूडेंट एक छोटी सी क्लास में बैठे, ज्यादा बातें करेंगे है ना, अब मैंने क्लास का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, यानी कि डाइल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और गए, आयंस तो बढ़ेंगे नहीं क्योंकि आयंस तो पहले डिसोसिएट हो गए थे सारे के सारे एटम्स को, इसके इलेक्ट्रोलाइट तो, अब ये आयंस इतने की बजाय पूरे में फैले, तो इंटरेक्शंस क्या हो गए, वीक, तो इंटरेक्शन वीक हो गए हैं तो फ्लो ऑफ करंट भी या फ्लो ऑफ आयंस बढ़ जाएगा। ध्यान से पढ़ना क्या है, ऑन डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन घटाने पर, तो घटाई हमने कैसे घटाई, डाइल्यूशन से, डाइल्यूशन से हमने क्या की, कंसेंट्रेशन को डिक्रीज किया। कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयनिक इंटरेक्शन। ओके, दूसरा केस देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इसमें कुछ कुछ आयंस है क्योंकि ये तो टूट ही नहीं रहा बेचारा, डिसोसिएट ही नहीं हो पा रहा, अब मैंने इसमें और वाटर मिला दिया, यानी कि और सॉल्वेंट मिला दिया, अब देखो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है
ये दो चीजों से मिलके बना है ना। यानी कि जैसे ही आप क्या करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, तो जो आपके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट पोलर होगा, है ना। तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको डिसोसिएट करने में हेल्प करेंगे। तो जैसे ही आपने सॉल्वेंट को ऐड किया, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, इसे मैं अच्छे से बाद में पढ़ाऊंगी आपको। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जैसे ही आपने ऐड किए, तो क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, इंटू आयंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस हैं जिनसे मिलके बना, उसको ब्रेक कर देगा, वीक कर देगा, और ये अलग अलग हो जाएगा। तो जनरली सॉल्वेंट अगर पोलर है तो वो अच्छे से उसे क्या करता है, इसमें भी पोल्स डेवलप करता है और डिसोसिएट कर देता है। देखो इसे ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रोलाइट है, यहां डिसोसिएट नहीं हो रहा अपने आयंस में, लेकिन आयंस तो होंगे ना, तो आयंस यानी कि पोलैरिटी तो है इसमें, अब ये ऐसे पड़े हुए हैं। तो जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके अंदर जो पोलैरिटी है उसको इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कैसे करते हैं, क्योंकि हर किसी का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि इस कितने फोर्स को वीक कर देता है। तो इतना सब डिटेल में मत समझो, सिर्फ इतना समझ लो कि ये इलेक्ट्रोलाइट का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आयंस है। देखो CH3COH कैसे ब्रेक हो रहा है, CH3CO- और H+ में, यानी कि इसके अंदर भी पोलैरिटी तो होगी नेगेटिव पॉजिटिव की। तो जैसे ही कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आएगा, बस इसे अलग अलग कर देगा। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूशन करने पे क्या हुआ, डिसोसिएशन इंक्रीज हो गया, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हो गया, यानी कि मोर नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस। जब ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, सो कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्लियर है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, तो आप बताओगे कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो गया। सो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। सो आज के सेशन के लिए इतना कंप्लीट मतलब कर लिया हमने, इतना इनफ है। बेटा ध्यान से पढ़ना, साथ साथ नोट्स बना लेना। ओके, थैंक यू सो मच।